आप महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनी, आज पहली मीटिंग थी आपकी, कैसा रहा ये मीटिंग? बहुत शानदार मीटिंग रही। 100वीं कर्पूरी जयंती जो आयोजित होनी है 24 जनवरी 2024 को, उसकी तैयारी में महिला प्रकोष्ठ की क्या भूमिका रहेगी ये, और इसके साथ ही हम लोग जातीय गणना और आरक्षण में जो बढ़ोतरी समतामूलक समाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसको बूथ बूथ तक हम तमाम महिला पदाधिकारी पहुंचाने का काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सदन जोड़ा, आप देख रहे हैं न्यूज 24। हम इस वक्त जदयू के प्रदेश कार्यालय में है, कर्पूरी सभागार में है। आज आप महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनी, आज पहली मीटिंग थी आपकी, कैसा रहा ये मीटिंग? बहुत शानदार मीटिंग रही। और जदयू जो निश्चित तौर पर न केवल बिहार, न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व में नारी सशक्तिकरण के लिए जानी जाती है, आज उसके इंटरनल विंग की हमारी संगठनात्मक प्रथम परिचयात्मक बैठक थी, जिसमें पूरे प्रदेश से लगभग 150-200 प्रदेश पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थी। और आज का हमारा एक तो जो नवीन जिम्मेदारी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है, उसके बाद मेरे जिलाध्यक्षों, प्रदेश महासचिव, प्रदेश उपाध्यक्षों के साथ ये बाकायदा परिचय, तो चूंकि पार्टी में मैं भी हूँ है ही, मगर बाकायदा संगठनात्मक तौर पर ये हमारी इनके साथ मीटिंग थी। और इसमें विशेष तौर पे हम लोगों ने 100वीं कर्पूरी जयंती जो आयोजित होनी है 24 जनवरी 2024 को, उसकी तैयारी में महिला प्रकोष्ठ की क्या भूमिका रहेगी ये, और इसके साथ ही हम लोग जातीय गणना और आरक्षण में जो बढ़ोतरी समतामूलक समाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसको बूथ बूथ तक हम तमाम महिला पदाधिकारी पहुंचाने का काम करेंगे। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के जल जीवन हरियाली का जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनको पुनः दोहराते हुए आज महिला प्रकोष्ठ ने संकल्प लिया है कि 1 जनवरी 2024 को शुरुआत पूरी 125 हमारी महिला पदाधिकारी अपने अपने आवासीय परिसर में वृक्ष लगाकर करेंगी, जो पर्यावरण को भी सपोर्ट है और माननीय मुख्यमंत्री जी के उस पर्यावरण नीति को हम महिलाओं के द्वारा सपोर्ट होगा। आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव क्या चुनौतीपूर्ण रहेगी, क्योंकि आप एक महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं? देखा जाए, निश्चित तौर पर राजनीति अगर चुनौतीपूर्ण न हो तो वो राजनीति किस बात की। निश्चित तौर पर राजनीति चुनौतीपूर्ण है, मगर ये भी एक बात मैं कहूँगी कि लोग ऐसे ही नहीं कहते कि आदरणीय नीतीश कुमार चाणक्य हैं, ये भी इसके साथ याद रखना चाहिए। और साथ ही एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी आज इस मौके पे कि बिहार जो आज करता है, पिछले 15-20 सालों से देश उसको कल करता है, चाहे जीविका को आजीविका में तब्दील करने की बात हो, चाहे बेटियों के लिए साइकिल और पोशाक योजना शुरुआत की बात हो, चाहे 50% पंचायत और नगर निकाय में रिजर्वेशन की बात हो, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने वो मिसाल कायम की है जो राष्ट्र के सामने मिसाल बन रहा है। और मजबूती से जो केंद्र की तानाशाही 9.5 साल की सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए हम कटिबद्ध हैं। आप सुन रहे थे डॉक्टर भारती मेहता को, जो जदयू के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। इन्हें महिला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया, आज इनकी पहली मीटिंग थी। आज पूरे जदयू की जो महिला कार्यकर्ता हैं वो जुटी हुई थी, जो पद पे हैं महिला वो यहाँ पे जुटी हुई थी। इनका मीटिंग चल रहा था, पहला मीटिंग था। आपने साफ तौर पर सुना कि नीतीश कुमार ने हमें जो दायित्व दिया है, हम उसके ऊपर खड़े उतरेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे। इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज 24 पर। मेरे सहयोगी अस्तोष सिंह के साथ मैं सदन जी पटना।